नहीं, नमक में शीशा है पूरा, नमक हलाली नमक... हाँ जब नमक क्यों खावे ना करे तो हलाली कैसे करे ले रहा है। अरे पोस्टर हो तो झूठे अफवाह उड़ाते हैं सब लोग। हमारी साइकिल वोट देवे कटिया अखिलेश की नहीं, 12 से 17 में ठीक था। 12 से 17 बताइए, बीजेपी कहती हम 4.5 लाख नौकरी दे दिली, ओकरे बाद दिखाइए हमें कहाँ दिया। अरे पोस्टर लगा ले रहा। अरे पोस्टर हो तो झूठे अफवाह उड़ाते हैं सब लोग। अच्छा अफवाह उड़ावत हैं बीजेपी वाले, चलो ठीक है भाई साहब। ये तो बोला था ना अफवाह उड़ावत हैं बीजेपी, तो आपको लगता है अफवाह उड़ावत हैं हकीकत दे थे? नहीं एकदम सही बात है, इस सरकार में रोजगार तो एकदम नहीं है। जैसे कि हम 2018 में यूपी 3+80 का फॉर्म भरे थे, अभी तक उसका मतलब एग्जाम ही नहीं हुआ। हम सिविल से डिप्लोमा किए हुए हैं तो बेरोजगार है, तो पढ़ाई के मामले में इस सरकार मतलब कुछ कोई मतलब मुद्दा उठा ही नहीं है। बस केवल यही है बेरोजगार लोग यहाँ पे हैं और इस सरकार में कोई काम हुआ ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पूरा उत्तर प्रदेश की समस्या बेरोजगारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश की समस्या बेरोजगारी है, तो युवा काफ़ी परेशान है रोजगार को लेकर। और इस बार मुद्दा भी उठ रहा है कि रोजगार को लेकर योगी सरकार बोल रही है कि हम 5 साल में 3 करोड़ रोजगार देंगे। वहीं अखिलेश यादव भी बोले हैं कि हमारी पहली कैबिनेट में 11 लाख जो पद खाली हैं सबसे पहले उसको भरने की कोशिश करेंगे। तो कुछ युवा और हैं उनसे बात करेंगे। भाई साहब किस पर भरोसा है, 11 लाख वाले पे कि 3 करोड़ वाले पे? नहीं 11 लाख वाले पे, मतलब अखिलेश पर भरोसा है? क्यों अखिलेश पर क्यों भरोसा है? अरे अखिलेश इसके लिए भरोसा है भैया, 2012 से 17 तक जो चुनाव इलेक्शन शासन था उनका, पूरी तरह से सब खुश थे, सब अच्छे से थे। अच्छा। और भाजपा जब से है तब से भाजपा पूरा सत्यानाश करके रख दी है। रोजगार की बात हो गई तो हम सड़क की बात करें, कहें कि ये जौनपुर की समस्या सड़क को काफ़ी है, तो 12 से 17 में ठीक था या 17 से 22 वाले तक? नहीं 12 से 17 में ठीक था। 12 से 17 जी हाँ जी। मतलब इस बार 22 में क्या देखा था? 22 में भैया देखा था का स्थिति, सड़कें से लेके रोजगार से समस्या, कुल हर चीज़ का समस्या हो। अच्छा ठीक है, आपका क्या लगा था? अरे सपा सरकार आए, सपा आए, हाँ सपा आए, चांस बीजेपी थोड़ा बड़ा चांस दे दे। नहीं बीजेपी कोनो चांस ना हो, एम्प्लॉयमेंट पे कोई काम ना हो। आपका? हमारा नाम अमित कुमार हो। अमित कुमार, मतलब यहाँ ना पूरा सपा के साथ ही जाता? हाँ हाँ पूरा पूरा पूरा। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाओं की बात हर सरकार करती है लेकिन महिलाएं किसमें ज़्यादा सुरक्षित हैं, सुरक्षा को लेकर बीजेपी काफ़ी कटाक्ष समाजवादी पार्टी पर करती है। तो हम यहाँ पर कुछ महिलाएं इकट्ठा उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ चाची, केकर केकर लहर दिखा था, कमल खिलाऊबू या साइकिल चलाऊबू या हाथी बटन दबाऊबू या कमल के हाथ के? हमारी साइकिल वोट देवे के लक्की के और अखिलेश भाई एक प्रधान बनावे के। अच्छा मुख्यमंत्री अखिलेश के बनावे के? लेकिन अच्छा एक चाची एक चीज बतावा, तू सब सरकार देख लू है, तो सबसे ज्यादा सुरक्षा महिलाओं को किस में ज्यादा मिला? क्या अखिलेश में मिला? अखिलेश में मिला? हाँ अखिलेश में। योगी सरकार बोला थे कमरे में गुंडा कम हो गए, महिलाएं सुरक्षित घूम सकल, 12 बजे रात घूम सकल, का आपका लागत था कि घूम सकल? नहीं भैया, हाँ अखिलेश भैया आ जाए, मोदी सरकार चला जाए, हम ये चाहत है। आपका क्या लागत था? अखिलेश, अखिलेश के, अखिलेश पर भरोसा बा पूरा? अच्छा ठीक है चाची, एक सवाल और आपसे रहा कि गाँव में खेती में सांड का मुद्दा बहुत उठा था, तो आप लोग सांड से परेशान है इनका थोड़ा भाई? छोटा जानवर से वो तो मोदी सरकार छोड़े हैं भैया, लेकिन अखिलेश को थम तो इसे ना भर रहा है। 12-17 में कुल मुद्दा ना आया है, लेकिन अब भय है ये कुल। आप आपको क्या लगा था कि सुरक्षा को लेकर पूछब तो सुरक्षा सबसे ज्यादा किम में रहा, क्या अखिलेश सरकार में रहा या योगी सरकार में? नहीं अखिलेश सरकार में, अखिलेश सरकार में ज्यादा सुरक्षित आप लोग महसूस करते रहे। लेकिन अमित शाह बोला लेन की गृह मंत्री हैं, वो बोला लेकिन 12 बजे गहना पहन के हमारे सरकार में निकल सकते हैं राति के, तो आप लोग आपको लोग लगता है कि निकल लेंगे 12 बजे आप लोग? नहीं नहीं लगता नहीं। मतलब वो सब झूठ बोलते हैं? हाँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर हाँ आपको क्या लग रहा है, अखिलेश साइकिल चला साइकिल बटन दबाई ही कि या कमल का फूल बटन दबाई ही या धनंजय सिंह का बटन? नहीं साइकिल दबाई, साइकिल। अच्छा एक बात और बतावाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री बोले ना कि हम राशन दे है, नमक खियावत है, नमक हलाली ना कर, नमक हलाली यूपी की जनता ना करी, तो आपको लगा था क्या आप लोग नमक हलाली करेंगी क्या? नहीं नमक में शीशा है पूरा, नमक हलाली नमक... हाँ जब नमक क्यों खावे ना करे तो हलाली कैसे करे? चलो ठीक है, महिलाएं भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ जा रही हैं। हाँ चाचा
छुट्टा जानवर जो सांड है और अन्य छुट्टा जानवर उनको लेकर आपको किसानी में कितनी समस्याएं उठानी? अरे समस्या आप चली दिखाई फोटो खींचवा मतलब खेती का दिक्कत था। अरे चर जात है नवर का दिक्कत बा चरत है खाई जात बा। ये तब याना केका उठिया देबा फिर अब जेके मतलब मना कहे ओके दिया जाए हम लोग बताए दे केके देबा केका साइकिल के बटन दबाऊबा या फूल के खिलाऊबा या क्यू और के देबा हाथी हाथ केका देबा या तीर अब जेके मन कहे ओके दे दे। अच्छा चलो ठीक है आप बतावा ही ना चाहता था लेकिन ये छुट्टा जानवर वाला समस्या है ना समस्या बा। अच्छा 17 से पहले रहा कि यही समय आई है? ना ही पहले कहाँ रहा यही समय बाकी यही समय आई तब पहले नहीं रहा। अरे पहले तो मतलब लीलगाहन से मतलब कुछ दिक्कत रहा है लेकिन अब जमन सांड है मतलब उठा से दिक्कत हुई है इससे ज्यादा समस्या हुई है। अच्छा अच्छा आपको लगा था कि 17 के बाद से सांड और छुट्टा जानवर ज्यादा प्रभावित किए हैं किसानन के? 2017 के पहले से चालू हो। अच्छा हाँ पहले से चालू रहा। हाँ पहले चालू मतलब अब की ज्यादा हुई है। अच्छा अब ज्यादा हुई है। हाँ ज्यादा हुई है। तो क्या लगता है 17 में योगी जी एलन कहले हम साड़न को गौशाला बना देंगे? गौशाला तो बनल लेकिन उनमें आधा तो मरा जाता है उनमें आधा खाई ना पाता मरिए ना हमें। अच्छा हाँ के का ओटिया दे भाई ओटिया अखिलेश की अखिलेश एक कंट्रोल कर ले ही का करे या ना करे लेकिन भाई दे जाओ नहीं की। अच्छा नहीं की दे हाँ मेन बात तो बदलाव करवा यहाँ आपकी बदलाव है जो बात है। यहाँ पर लोगों का मानना है कि इस बार बदलाव काफी जोरों शोरों से चल रहा है। आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया। धन्यवाद।